नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हम आपको बताएंगे आज की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता किसके पास जाएगी, जनता पक्ष को वोट करेगी यानी कि बीजेपी को, बीजेपी एक बार फिर से अपना सरकार बनाने में सफल होगी या विपक्ष एकजुटता के साथ आएगा और वो अपना सरकार बनाएगी। क्योंकि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, एक तरफ बीजेपी जहां अपने मुद्दों को लेकर, अपने वादों को लेकर लगातार जनता में बनी रहती है, तो वहीं विपक्ष एकजुटता के साथ, विपक्ष भी आता है और वो कहता है कि अब की बार हम बीजेपी को सत्ताविहीन बनाएंगे। तो हम चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की राय जानते हैं और देखते हैं इस बार जनता सर का ताज किसे पहनाएगी और इस लोकसभा 2024 चुनाव में वो जनता किसको कुर्सी पर बैठाएगी। चलो, 2024 चुनाव देखते हुए आप क्या क्या देखते हैं, 2024 में कौन आने वाला है? मोदी ही आएगा, मोदी के अलावा कोई ही नहीं आएगा। अच्छा, लोगों की ये भी मानना है कि 2024 में विपक्ष एकजुटता से आ रही, तो विपक्ष की सरकार आएगी, सारे चोर इकट्ठे हो जाए, मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। मोदी क्या खूबी है, इतना पसंद क्यों करते हैं आप मोदी को? इसलिए मोदी है तो देश है, मोदी नहीं होगा तो देश भी सुरक्षित नहीं होगा। आज हमारे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, सारा देश जो है घबरा रहा है, समझ रहे हैं, मोदी की ही ताकत है ये, इससे पहले कोई नहीं इसको जानता। विपक्ष भी कहता है मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, देश को लूट रहे हैं। कांग्रेस 70 साल राज्य की, तब क्या किया ये बताओ। 2024 लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं, सरकार किसकी बनने जा रही 2024 में? 2024 लोकसभा चुनाव में मुझे जो लगता है, हमारी जो करंट सरकार बीजेपी है वो ही आगे सरकार चलाएगी, क्योंकि हमने देखा बीजेपी की सरकार में हमें लाइट सुविधा और क्या नाम है जो कहते थे गुंडागर्दी, वो बहुत कम हो चुकी है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। हमारे बीच में एक चाचा हैं, बड़े तसल्ली से बैठे, बड़े आराम से बैठे हैं। चाचा, इस फुर्सत के पल में हमें आप बताएंगे कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है चुनाव को लेकर? हमें तो और कुछ नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं, बस ये जानते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे, देश में और भी नेता हैं, कांग्रेस देश में सारे नेता चोर हैं, मोदी सही हैं, वो देश के हित के लिए चाहते हैं, इसलिए वो दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। क्या बनेंगे वो? अब ये लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ भेज दिया, क्या बनेंगे? सब कुछ तो भेज दिया है, क्या बनाएंगे बताओ जी। तो अगर इनके लिए बेचा गया है तो ठीक है, हमारे लिए तो बहुत कुछ बना दिए हैं। वहाँ तो तुम्हारे लिए बनाया है और जनता के लिए तो नहीं बनाया है ना। इसके जमाने में बड़े बड़े बोल्डर था, अब देखो बढ़िया बढ़िया रोड चल रहे हैं। नौकरी देख रहे हो? नौकरी देख रहे हो? नौकरी देख रहे हो? पूरा विपक्ष भी रोजगार, रोजगार उसी को मिलेगा जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसे रोजगार नहीं मिलेगा। ये बताओ पहले सिलेंडर कितने को दो? सिलेंडर 400 का था ना। सिलेंडर एक लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज की कब महंगाई आएगी कब घट जाएगी वो पब्लिक के ऊपर निर्भर नहीं है, वो तो जितना फायदा होगा वही से होगा। खाने पीने पर टैक्स काट रहे हो, इतना टैक्स नहीं, 50% 100% टैक्स काट रहे हो ज्यादा। किसान अपने घर में अगर गल्ला उपजाएंगे बाहर से खरीदेंगे नहीं तो महंगाई नहीं आएगी। शहर में कितना गल्ला उगा रहे हैं? शहर में जो रह रहे हैं उनके गांव में खेत होता है वो गल्ला उगाए। हमारी तरह हम तो बिल्कुल ना वोट देंगे, हमारे गांव में किसी को नहीं देता वोट नहीं है। हमारा जो भाई फैसला है बस ये जानते हैं, मैं मोदी को जानता हूं, मोदी को ही वोट देंगे। आप इतना नाराज क्यों सरकार से हैं? सरकार तो कह रही है हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं। माहौल ये है देखो, ये कमाई 2-4% कमाई हो गई है, महंगाई 50% बढ़ गई है, 5 वाली चीज 10 की मिल रही, 10 वाली 20 की मिल रही, आदमी का कान मरा के लाएगा? मतलब कहाँ से लाएगा बताओ, कहाँ से लाएगा? क्या कहेंगे? ये तो बहुत तगड़ा वार कर रहे हैं आपके ऊपर कि इस जमाने में और सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसी के वार से मतलब नहीं है, हमें अपने हैं, हम जितने पढ़े हैं लेबर ग्रेड जो है हमें मिल रहा है, मैं संतुष्ट हूँ। इनसे ये पूछो, मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, ये बोल रहे महंगाई कर दी सरकार ने, आज से ये बताइए कि पहले सुविधा कितनी थी, सुविधा के अनुसार आज की वो चीज देखी जाए तो महंगाई होगी। क्योंकि मैं ये चीज जानता हूँ, अगर मैं जैसी सुविधा लूंगा, अगर मैं एसी चलाऊंगा तो बिल भी मुझे भरना पड़ेगा, नहीं। अगर नहीं चलाऊंगा तो मेरे पास कोई बिल नहीं आएगा, नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग महंगाई हो रही है। महंगाई तो ये नहीं कि सरकार कर रही है। हाँ बोलिए। पहले के हम कच्चे रास्ते पर चल रहे थे, पहले रोड नहीं थे, गांव में जाएंगे कच्चे रास्ते, पहले रोड नहीं थे, पहले पार्ट एकदम बनी हुई रोड मिलेगी। अच्छा ये बताइए आप किसको पसंद करना चाहते हैं? मैं तो 2024 खुल के मोदी को ही सपोर्ट करूंगा। मोदी क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि आज जो देश की आज स्थिति देखेंगे
तो आज हमारे देशों की गिनती उन देशों के बराबर होती है जिसकी कोई वैल्यू थी। भैया ये तो कह रहे हैं देशों की गिनती आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपके देश की वैल्यू बढ़ गई है। बहुत से देश में तो भारत की करेंसी भी नहीं ले रहे हैं, बता तुम्हें कुछ पता है, देखते हो न्यूज़ वगैरह क्या? आप देखिए आज जिस स्थिति में भारत है उस स्थिति में कांग्रेस के जमाने में ही नहीं था, ना ही किसी के जमाने में था। जो आज है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है, मोदी जी की वजह से, समझ रहे? चार दिन नहीं, तुम कुछ दिन और रुक जाओ, साल दो चार दस साल जो देखियो होगा तो मैंने कटोरा पकड़ा दे हाथ में पाकिस्तान जैसा, तो तुम बात करियो कौन? अगर पकड़ा दे क्यों पकड़ा देंगे भाई, जो आज आप भी उस चीज को अनुभव कर रहे हैं, जो हमारी महिलाएं थी, सुविधाओं को देखिए, सब चीज को, जो महिलाएं थी आज रात में 8 बजे 10 बजे जाती कोई बेफिक्र होके, वो किस वजह से? सिर्फ मोदी जी की वजह से। पहले ये सरकार थी उनकी अकॉर्डिंग देख लीजिए आप क्या था। अच्छा हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं इनसे बात करते हैं कि चाचा आप देखिए, इन्होंने बताया कि अगर कुछ दिन और मोदी की सरकार रह गई तो हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे। क्या अगर हम उन्हें चुनेंगे उन्हें बैठा देंगे, अगर घर के माँ बाप कहेंगे कि बेटा भीख मांग के ले आओ हमें दो, तो हम भीख मांग के भी गवर्नमेंट में दे सकते हैं, लेकिन मुझे भाजपा की गवर्नमेंट पसंद है। भाजपा गवर्नमेंट पसंद है, कमाई में 12,000 रुपये सैलरी है और खर्चे हैं 15,000 के, बच्चे की पढ़ाई फीस और एडमिशन कितना खर्चा तो है। सरकार तो ये भी कहती है विविध योजना के अंतर्गत हमने शिक्षा किया, बिजली कम नहीं देना किसानों को, किसानों को सबसे ज्यादा गन्ना पेमेंट उन्होंने किया। सरकार तो अपनी उपलब्धियां बताती है ना कि हमने रोड भी दे दिया लोगों को, कंपनी भी ला के दे दी। सरकार ये नहीं बताती कि हमने खराब काम किया, ये नहीं बताती है। अगर अच्छा आपकी नजर में सरकार ने क्या खराब काम किया और इतना सरकार से खपा क्यों है? सरकार चाहे जिंदगी भर बीजेपी की मंजरे, हमें ऐतराज नहीं, बस महंगाई है ना जे कम हो जाए, बस भाड़म जाए हमें। हाँ हमें हमें ना विदेश जाने हैं ना लंदन जाने हैं, हमें भारत में रहने हैं बस, हमें खाने के लिए हमारा जो व्यवस्था है ये सही रहने। सरकार रोजगार नहीं दे रही है? कहाँ रोजगार भाई, वो तो कह रही है हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी वो सरकारी ना, वो क्या नाम है भर्ती वाले थी, भर्ती बिल्कुल ही बंद कर दी, कहाँ नहीं कर रही है भर्ती? अग्निवीर भर्ती निकल रही है, अग्निवीर वो 4 साल के लिए कौन जाएगा मारने के लिए, कौन जाएगा? उसके बाद वो तो आपको पेंशन भी देंगे, फैसिलिटी भी पूरी देंगे, वो सब हो गया। फैसिलिटी क्या फैसिलिटी देंगे 4 साल में, जब कमाएंगे नहीं, खाने खाना नहीं, पैदा कर सरकार दे देगी, घर तो देगी क्या है? अच्छा स्मृति ईरानी भी 2014 के पहले गैस सिलेंडर बहुत हंगामा करती थी, सदन से लेके बाहर तक सड़कों तक गैस सिलेंडर लेके घूमती थी, तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो स्मृति ईरानी अब क्यों नहीं आ रही बीच में? स्मृति ईरानी कोई वो नहीं है, उनका कोई अभी वैल्यू नहीं है कि वो रहेंगी भाजपा में कि बाहर चली जाएंगी, उनका क्या करना। जो मैं नेता जानता हूँ बस उसी नेता को जानता हूँ, सिर्फ मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, उन्हें अगर चुन के भेज रहे हैं तो जो करेंगे वो हमें मंजूर है। ये लीजिए तो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री कुछ भी कर देंगे, इनको सब कुछ मंजूर है। या वो इन्हें जान से मार देना तब भी जो खुश रहेंगे, हमसे पूछो तुम। और तुम्हें बताएं इस सरकार में कोई माने या ना माने, देखो महंगाई के अलावा जात पात लड़ाई दंगा और यही सब जाना चल रहा है। अच्छा सरकार तो कहती दंगा बिल्कुल कम हो गया, पहले जिस तरीके दंगे होते थे अब दंगे नहीं होते हैं, मतलब चलते फिरते किसी को मोबाइल छीन रहे, किसी को चाकू मार रहे थे काफी ना है, काट काट के इकट्ठे रखे तब मानेगी सरकार, हाँ अभी हो रहा है। सरकार तो कहती कि कानून व्यवस्था में सरकार बहुत अच्छी है, पिछली सरकार में दंगे होते थे, पिछली सरकार में त्यौहार नहीं मनाए देते थे उसमें भी दंगे होते थे, इस सरकार में त्यौहार मनाए जा रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हर कोई अपना त्यौहार मना रहा है। ना 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 ये सरकार झूठ है, ये बात सरकार गलत कह रही है, सकल देख के और जाति देख के आदमी सरकार बात कर रही है, हमसे पूछो तुम। अबे सुनो मेरी बात दिखाओ, अगर ये काम हिंदू गलत करते तो बस शांत, अगर ये मुसलमान करते तो ऐसे 4 बार मीडिया को दिखाया जाएगा कि हाँ ये गलत है ये गलत है, तो ऐसा नहीं जो ने गलती गलती होती है धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन दंगे तो नहीं हो रहे ना, पहले जिस दिन दंगे होते थे सरकार भी करी कि अगर किसी के ऊपर कोई केस है या कोई गुंडागर्दी अभी आती कोई ले लीजिए आप, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है भैया, सब ऐसे ही चल रहा है पहले ऐसे, बस जाए 19-20 कम हो गया कहीं ज्यादा हो गया बस। मतलब 2024 में आप बीजेपी नहीं चाहते हैं? हम नहीं चाहते, हम महंगाई की वजह से नहीं चाहते, मैं तो वोट से कभी देंगे ही नहीं। किसको चाहते फिर 2024 में, किसको चाहते हैं? कोई आई है मतलब, अरे कोई किसी का नाम तो होगा, कोई पार्टी तो होगी, कोई मतलब कौन आ जाए, अभी आ जाएंगे नहीं। यूपी में तो अखिलेश आ जाए या कोई या बसपा आ जाए, कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं। और देश में 2024 की बात हम कर रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव है, हम उसकी बात कर रहे हैं, 2024 किसको देखना चाहते हैं आप? सरकार चाहे जय मंदिर, हमें ऐतराज नहीं है, ऐतराज इस चीज से है कि बस महंगाई का। अच्छा राहुल गांधी कैसे रहेंगे आपके लिए? राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार रहेगी। किसकी सरकार रहेगी? नहीं रहेगी, कांग्रेस की रहेगी। तो ये लोग बताते हैं कि 2000 इसके जी आप क्या कह रहे हैं? हम तो यार सरकार सही है पर महंगाई कम हो जाए, महंगाई की वजह से ये सरकार हमें ना पसंद है। सरकार तो कहती है फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में हमने वैक्सीनेशन किया, 5 किलो राशन देने से परिवार नहीं चलते, जैसे 4-5 बच्चे हों वो क्या 5 किलो राशन से चला लेगा परिवार, नहीं चला पाएगा कभी। बोलना
कि वो गेहूं दिए है ना, अब वो चूल्हे पे भूंज भूंज के सूखे चबो। इतना खफा भी है आप सरकार से, और आप ये भी नहीं बता रहे 2024 किसको चाह रहे हैं आप, तो कम से कम कुछ तो क्लियर कीजिए ना। अगर बीजेपी आपको नहीं चाहिए, किसको लाना चाहते हैं आप? सौ बात की एक बात, अगर महंगाई कम करे तो यही रहा है, महंगाई अगर कम करे तो यही रहा है, और महंगाई अगर कम ना करे तो सरकार चेंज हो जाए। क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार चाहते हैं आप 2024 में? भाजपा चाहता हूँ। बीजेपी क्यों चाहते हैं आप? क्यों चाहते हैं बीजेपी? क्यों करा कुछ उसने? ये लोग तो कह रहे हैं बीजेपी सब कुछ किया। अब भैया उनकी वो सोच है, वो अपना अलग है, हमारी सोच अलग है। हमारी सोच अलग तो बता रहे, घर ही मकान दिए, घर दिए, मकान दिए, बिजली दिए, ये झूठ बोल रहे हो। जीरो खाते में पैसे भी डाले खाते में, झूठ क्यों बोल रहे हो? हमारे घर में हमारे काम किसी के नहीं आए। आप ये मानते हैं सरकार ने पैसे दिए? हमारे पास नहीं आए। फिर ₹500 आए थे, दो किस्तें। एक पांच सेकंड, पांच सेकंड नहीं, मुकर क्यों रहे हो आप? मुकर क्यों रहे हो? ये तो कह रहे हैं आपकी कौन पैसे आए? एक सेकंड, ₹500 अगर दे दिए सरकार ने, उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उससे बिल्डिंग बन जाएगी? ₹500 का तो सिलेंडर भी ना आया आएगा। एक सिलेंडर में तो ₹500। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, ये बच्चों के लिए शौचालय बाहर नहीं जाने, शौचालय बनवाए, उन्होंने पैसे दिए। आप भाग रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना इनका। आप जवाब दीजिए, तो कह रहे हैं कि बच्चों ने शौचालय दिए। राशन कार्ड पर राशन मिल रहा है, और क्या क्या बुराई करी उनने? लॉकडाउन में खाना दिए, सिलेंडर दे दे, फ्री दिए सिलेंडर। तो भैया सिलेंडर दिया उनने कितने? फिर फ्री दिया ना तुमको? इसने तो वही हाल कर दिया। वन सेकंड, इसने तो वो याद कर दिया मुकेश अंबानी जैसा, पहले फ्री डाटा दिया, बाद में फिर आदमी आदत पड़ गई, तब वो दबा के करवा रिचार्ज महंगा कर दिया। ऐसा ही मोदी जी ने। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि पहले सरकार में शौचालय नहीं था, शौचालय सबको दिए फ्री में। देखो शौचालय दिए जी, अच्छा काम है, अच्छे को अच्छा बोलेंगे, पर खराब खराब। लॉकडाउन हुआ था उस टाइम, अभी जिंदे हो नहीं है, मर जाते जब लॉकडाउन। नहीं बड़ी बात है, बातें क्यों कर रहे हो यार? जिसका नमक आया तो नमक हलाली मत करो। चाहते हैं पर थोड़ा महंगाई कम कर दे, महंगाई कर देंगे मजदूर लोगों की सैलरी बढ़ा दे, सैलरी बढ़ाएंगी। बड़े प्यार से काम, खर्चे नहीं चल रहे, सारे काम प्यार से होते हैं। नहीं 12,000 सैलरी में खर्चे नहीं चल रही है, सरकार चाहते हैं। हां इस चीज का ध्यान रखो, सिर्फ ये महंगाई कम करे, महंगाई कम करे, सारे काम चलेंगे, सारे काम अच्छे होंगे, इस बात की टेंशन मत लो। वो भी देखते हैं कि चाचा संभाल लेते हैं। चाचा आप क्या कहते हैं 2024 में आप किसको वोट करेंगे और क्यों करेंगे वोट? देखिए मोदी जी का जो मुद्दा है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाएं, इन्हीं तीन मुद्दे इनकी लगातार कंटिन्यू चल रही हैं, और इन्हीं पर इनको तीसरी बार विजय मिलेगी। पक्का? पक्का। अच्छा ये अभी बता रहे थे कि मतलब रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को रोजगार नहीं वो मिला। तो हर कोई भी सरकार बदलती है, कोई भी होती है, हर कोई उसकी बुराई होती है, विपक्ष का बुराई का मुद्दा है, लेकिन कुछ है, लेकिन सरकार लगातार इस पर भी काम कर रही है। अच्छा कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर जब लोकतंत्र नहीं है, उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के बोला कि हम जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे यूरोपीय संघ को आगाह किया कि आओ भारत की लोकतंत्र की रक्षा करो, लेकिन जब उस पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो वो रक्षा कैसे करेंगे? वो जो है अनसक्सेसफुल है, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। वो उनको उनकी जो यात्रा थी, यात्रा कुछ तो उन्होंने किया, लेकिन ब्रिटेन में जाकर के फिर उसको मिटा दिया एकदम जाकर। हमारा मुद्दा ये है, हमें फ्री चाहिए क्यों? ये तो कह रहे हैं कोरोना काल में जितने भी मकान मालिक थे, यार हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हमें क्यों फ्री में चाहिए सरकार से? सरकार से हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इन पे कोई बात ही नहीं करने की। सरकार तो कहती है हम शिक्षा भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, लाइट भी दे रहे हैं, सड़क भी बनवा रहे हैं, सरकार तो अपने हर मुद्दे पे आ रही है। आप प्राइमरी स्कूलों में जाइए, सरकार केवल एक ही मुद्दे पर काम करिए, सड़क। मैं बोलता हूँ सरकार का बहुत अच्छा काम है सड़क, उसके लिए नितिन गडकरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि अखिलेश यादव उन्होंने देखो सरकार की बात होती है, पर किसी का धर्म नहीं खोना, वो भी बुरे नहीं है ना, कोई बुरा नहीं है किसी का भी, इस बात को ध्यान रखना। बच्चे नहीं पलते हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। ये नहीं दे रही सरकार, देती है रोजी रोजगार सब देगी भैया, देख धीमे धीमे सारे काम होते हैं। नोएडा में 11 साल से रहता हूँ, मैं 11 साल से परिवर्तन देख रहा हूँ। नोएडा में इतना रोजगार था कि बच्चा गांव से आए यहाँ रोजगार मिलता था, आज प्राइवेट नौकरियां भी नहीं है, सरकारी तो छोड़ दो। अच्छा इसके पीछे कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी तो है, कि पहले जनसंख्या कम थी, लोगों को रोजगार मिलता था, नहीं जनसंख्या बढ़ी है तो उसके वो मौके भी बढ़ने चाहिए ना। सरकार का काम क्या होता है? सरकार को नहीं पता, सरकार को आंकड़े पता है ना जनसंख्या की, जनसंख्या बढ़ेगी, ये सरकार का काम है ना कि आगे रोजगार दे। बहुत सारी कंपनियां इंडिया से चली गई कोरोना काल में, पब्लिक के लिए किया तो उन कंपनियों के लिए भी करना चाहिए था ना सरकार को। अच्छा अगर मान लीजिए बीजेपी रोजगार नहीं दे रही है तो आप किसको चाहते हो 2024 में?
नहीं, बहन जी ने सबने पैसे दिए, कोई ना ऐसा कोई बाकी नहीं है, ठीक है। अखिलेश भाई साहब ने दिए पैसे, सबने कोई सबने पैसे दिए, कोई नहीं है ऐसे बाकी। फ्री में चाहिए ही नहीं ना, ना हमको राशन चाहिए, बात पैसे की नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार में केवल सड़कें अच्छी हुई हैं, सरकार तो ये भी करी, पहले एक हफ्ते दिन में लाइट रहती थी, एक हफ्ते रात में लाइट रहती थी, अब लगभग हम गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं। नहीं वो तो कर रहे हैं, लेकिन चीजें बढ़ती है ना। जैसे मान लो कि कांग्रेस कहेगी कंप्यूटर हम लेके आए, कंप्यूटर कांग्रेस नहीं लेके आई, कंप्यूटर का टाइम था, कंप्यूटर आना था, उसका टाइम था। हमारे साथ में एक और युवा है, हम इनसे बात करते हैं। 2024 में आप परिवर्तन किसके साथ देखना चाहते हैं, विपक्ष के साथ या पक्ष के साथ? पक्ष अगर बात करें तो पीएम मोदी, जो कि अभी भी तीसरी बार वो उस रेस में है, और विपक्ष कहती है पूरी एकजुटता के साथ हम आएंगे, और बीजेपी का पहली बात विपक्ष जो कहती है कि हम आएंगे वो आने से रहे, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी ने लोगों का दिल जीत लिया है, बीजेपी जो है वही आएगी। पहले आप ये भी तो देखिए, लोग जो कहते हैं, पहले तो गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि हम आएंगे हम आएंगे, उन्होंने ऐसा काम क्या किया जो आएंगे? आप डेवलपमेंट देखिए, आप 8 ईयर्स में, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, लास्ट 8 ईयर्स में आप देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, कहाँ से इंडिया कहाँ से कहाँ, नेटवर्थ हर एक चीज़ में, आप हर एक चीज़ में डेवलपमेंट देखो ना, आप एजुकेशन लाइन में डेवलपमेंट देखो, आप टेक्निकल लाइन में डेवलपमेंट देखो, आप कमर्शियल एरिया में डेवलपमेंट देखो, हर चीज़ में देखो, बीजेपी के आने से कितना डेवलपमेंट हुआ है कहीं, जहाँ कांग्रेस थी आपने खुद देखा था कि इंडिया को कोई पूछता भी नहीं था। अब आप फॉरेन कंट्री में जाओ, फॉरेन कंट्री में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप किसी लोगों को भी देखते हो इंडिया के साथ। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है इंडिया के साथ जाके, आप नहीं नहीं आप एक चीज़ बताइए, आप फॉरेन कंट्री में भी जाके आपने भी कहीं पर भी देखा होगा, आज इंडिया की पहुँच कहाँ है? रशिया का भी जो वो हुआ था, जीडीपी 11th पोजीशन पे, आज क्या है, पोजीशन पे है। ये लीजिए भाई साहब, नहीं बोलिए, जवाब दीजिए ना। नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आपने कोई भी क्वेश्चन, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप लीजिए। आपने फॉरन देखा है? हमने तो इंडिया देखा है, हमने फॉरन देखा ही नहीं, हम केवल वो देखते हैं जो मीडिया हमको दिखाती है, और मीडिया पेड है, ये बात मानिए आप कहीं ना कहीं पहले वाली। ये देखिए, मीडिया के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, आप सरकार पे सवाल उठाइए, सरकार पे आप किसको वोट करना चाहते हैं वो आपका काम है, मीडिया पे सवाल उठाना गलत बात है, वो देश का आपका चौथा स्तंभ है, वो आप केवल सच दिखाता है। और मेरे न्यूज चैनल का एक टैग भी है कि न पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, हम निष्पक्षता की बात करते हैं, और उसी आधार में आपसे बात कर रहा हूँ। आपके न्यूज चैनल पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप भी एज ए कॉमन मैन ये मानिए ना कि मीडिया जो असली चीजें हैं उनको दिखाने से कहीं ना कहीं डरता है। जो न्यूज आप देखते हैं, वही न्यूज ये लोग भी देते हैं, ये तो कह रहे काम बहुत हुआ सरकार में। मेरा सुन लीजिए, जो आप, मैं जो कह रहा हूँ ना आपसे, जो डेटा कह रहा हूँ कि 11th पोजीशन पे फिफ्थ पे आ गई है, ये इंडिया का रिपोर्ट नहीं है, पूरी दुनिया में ग्लोबल है ये रिपोर्ट, 11th पोजीशन पे फिफ्थ पे जो होती है ना, वो ना कि न्यूज वाले चैनल बताएंगे ना कुछ, वो वर्ल्ड रिपोर्ट बता। हमसे बात कीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया आजाद हुआ था तो कौन से नंबर पे था, ये आपको पता है? बात सुन लीजिए, मौका मिलेगा आपको भी, बात सुन लीजिए, काउंटर टैक कीजिएगा, पहले मेरा बात सुन लीजिए। सुनिए, आज इंडिया 11th से 5th पे जो पहुंच गई है, उस देश को ओवरटेक कर ली जिन्होंने हम पे 200-250 साल राज किया था। कौन किया था? आप सबको पता है, अंग्रेज, अंग्रेज को ओवरटेक कर लिया, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स रूल किया। आप कह रहे हो कि भाई 3.5 trillion है इंडिया की, और अच्छा आपको सबसे पहले देखो हमारा देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, वो जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे किसी आसपास के कंट्री से तो पता नहीं चलेगा ना, हमेशा हमेशा कंपेयर करो जी। जो देश तरक्की कर रहा है उससे आपको क्या मिल रहा है? हमारे बच्चों के तो रोजगार खत्म हो गए, क्यों खत्म हो गए? रेलवे खत्म हो गया, खत्म हो गया, कौन बोल दिया? अच्छा रेलवे में रोजगार खत्म हो गए, सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार के लिए बोलती है, कितनी वैकेंसीज आती हैं यूपी में लास्ट 5 ईयर में, कितनी वैकेंसी क्लियर हुई है आप बता दीजिए मुझे, एक भी सरकारी नौकरी। एक जी कह रहे कि रोजगार खत्म हो गया, मैंने सबसे पहले इन्होंने जो गलत बोला कि रेलवे बंद हो गए, बंद नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं आपने नहीं प्राइवेटाइज, उससे पहले आपने बोला खत्म हो गया, हम सभी टिकट, एक सेकंड, पहले आपने क्या बोला कि रेलवे खत्म हो गया, भाई हम लोग टिकट कर रहे हैं तो पहले आज से 5 साल पहले भी जो रेलवे का जनरल टिकट क्या होता था, नॉर्मल टिकट 550-600 अगर लंबी दूरी, मैं यहाँ से, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से मैं बिहार में आज से 5 साल पहले भी जाता था तो 550-550 के आसपास टिकट होता था, नॉर्मल जो स्लीपर का टिकट होता, आज भी जाओगे तो 600 के ही आसपास है। अच्छा रेलवे टिकट 2 रुपए से लेकर 50 रुपए पहुंच गया, उसका क्या कहोगे आप, कितने परसेंट
हाँ 2 रुपए का रेलवे टिकट था कांग्रेस के साल में। कब? अरे आ गए माय बीच में, बात करेंगे जी। आप क्या कहेंगे किस चीज पे? नहीं नहीं नुकसान बता, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, अगर इंडिया में बढ़ी तो क्या दिक्कत है? बात सही है। पाकिस्तान में देख लो और उधर पड़ोसी पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान से मतलब क्यों? पूरी पूरी दुनिया से करो ना, पूरी दुनिया से करो ना, अकेले इंडिया के क्यों? जिस देश में रह रहे हो उसको बोलो, पाकिस्तान से इंडिया का था ही नहीं। अरे सरकार हमारी अच्छी है, पाकिस्तान की सरकार तो पहले से ही खराब रही है, वहाँ तो आतंकवादी सरकार चलाते हैं। हमारी सरकार, हम मोदी जी को बहुत उम्मीदें थी, मोदी से जब मोदी जी को जिताया था मैं खुद वोटर था। वही उम्मीद है कि मैं वही कह रहा हूँ, वही उम्मीद थी जिन्होंने 11th से 5th पे इंडिया को ला दिया। और अभी आप थोड़ा 5 साल सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी 11th से 5th पहुंच गई है। अभी देश, अभी मोदी जी का टारगेट है कि 2027 तक इंडिया टॉप 3 में आ जाए, तीसरे पोजीशन पर चली आएगी जीडीपी में। अच्छा एक सेकंड, अच्छा विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि मोदी जो है केवल व्यक्ति विशेष की तारीफ करते हैं, उन्होंने अडानी को ये कर दिया, वैसा कर दिया, उनको प्राइवेट सेक्टर पूरा दे दिया। अच्छा जो सुनिए भाई साहब, जो भी ये कहते हैं कि मोदी जी अडानी को कर दिए, अडानी जी 2014 से पहले क्या भीख मांगते थे क्या? अडानी जी पहले 2014 से पहले क्या ग्लोबल में काम करते थे क्या? $82 क्यों चला गया? हमारे देश का प्रजा, हमारी जीडीपी मजबूत हो रही है तो हमारा पैसा कमजोर क्यों हो रहा है? एक सेकंड, ये सब जो चीज है ना वो ये चीज नहीं होती कि आपने एक साल में मतलब इतनी जीडीपी बढ़ गई तो आपका हो गया। सर आप ये भी देखिए, नेटवर्क भी देखो, हर चीज भी देखो, धीरे धीरे चीज। बीजेपी टारगेट करता था ना कांग्रेस को कि भाई ये पैसा हमारा बढ़ता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, इसके लिए बीजेपी टारगेट करती थी ना। पेट्रोल के लिए भी टारगेट करती थी और गैस के लिए इन सब। अच्छा ठीक है, हम ये बातें खत्म करते हैं। हम बस आप लोगों से इतना जानना चाहते हैं कि 24 में आप लोग सिंहासन किसको बैठाएंगे? जनता की कुर्सी आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, तो मोदी जी, लेकिन हम मोदी से नाराज हैं। अब अभी आप आ गए उसी बात पे कि आएंगे मोदी ही, अभी तो उसके पहले आप बता रहे मोदी कोई काम ही नहीं किया, तो फिर मोदी से क्यों लेना चाहते हैं आप? आपके हिसाब से मोदी ने कोई काम नहीं किया है? वो डिपेंड करता है, लेकिन जो माहौल है अभी का उसमें आएंगे। भाई देखो, अगर मोदी ने काम किया होगा तो जनता उनको चुनेगी और आप भी ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बीच में पहले आपने कहा कि मोदी ने कोई काम ही नहीं किया है। नहीं, जनता उनको क्यों चुनेगी अगर मोदी ने काम नहीं किया तो? मोदी जी जैसे वो बाबा है ना, क्या नाम है, बागेश्वर बाबा, जैसे उनको सम्मोहन आता है वैसे मोदी जी को भी सम्मोहन आता है। ये लो सम्मोहन काम से है, ध्यान से सुनो, सम्मोहन उनका काम से है, उनके पास कोई मंत्र शक्ति नहीं है बागेश्वर बाबा की तरह, उनके पास उन्होंने काम किया है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपने बोला ना इंडिया अभी अपनी करेंसी 35 कंट्री में इंडिया की भी करेंसी चलने वाली है, इंडियन रुपीज में काम होने वाला है, आपको पता है कितनी बड़ी बात है? इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज अभी 35। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि 2024 में सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी, नो डाउट, और कोई है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस है ये है ये अपनी सरकार बना पाएंगे? मतलब 2024 में आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं? बीजेपी की साथ पूरी 2024 में आप किसको सिंहासन देंगे? वो 24 में देखा जाएगा, हम तो समय है, माहौल क्या है, आप किधर जा रहे हैं? माहौल तो मोदी जी का ही है, मोदी जी का। आप किधर जाएंगे 2024 में? 100% मोदी जी आएंगे, यूपी में बाबा आएंगे, और देश में मोदी। तो ये ज्यादा मजबूत होके आएंगे क्योंकि ऐसी चीजें सामने, नजरिया बदलो सब कुछ बदलेगा। यूपी में ऐसा उन्होंने योगी जी ने शासन किया है, ये तो कह रहे शासन ही नहीं है। मैं अपना बताऊं, मैं यहाँ से दूसरे 15 साल मुझे हो गया, मैं बिहार से, मैंने आपको बताया मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे इतना, मेरा 2 से फोन इससे पहले चोरी हो गया था 2017 से पहले यूपी में। आपके हिसाब से बाबा के राज में कानून व्यवस्था एक नंबर है? जबरदस्त है। अरे मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ, आज जो सुनिए भैया, आज ये कानून, भैया सुनो भाई साहब ध्यान ना रखेंगे, बाबा ध्यान ना रखेंगे, गरीब लेबर चौक है, कितने भूखे हैं, कितने प्यासे हैं, तो फिर बाबा किस बात के बाबा बन रहे हैं? फिर बाबा तो महादेव हैं। देखो अगर
देख भैया, अगर कोई ये चाहे कि उसको घर बैठे सब कुछ मिल जाए तो नहीं हो सकता। ये तो कह रहे हैं कि अगर घर बैठे, अगर आप सब कुछ चाहेंगे तो घर बैठे गए। हम कहते गरीब को दान करो, कैसी बात कर दी, बात किसकी, कर्म करने से होता, अगर मेहनत करूंगा तो कमा खाऊंगा। सुनो मेरी बात सुनो, गरीब जो फुटबागो सोते उनकी सुनो मेरी बात को, चिल्लाते तुम्हारी बात को सुनो, मेरा कहना सुनो मेरी बात को। गरीब भूखे वाले लेबर चौक कितने प्यासे भूखे रहते हैं, कितने खाने खिलाते हो, देखो कितने भूखे सोते हैं, कितने फुटबागो सोते हैं, कौन करते हैं बात करते हैं ये लोग। ये तो कह रहे हैं कोई भूखा नहीं, हाँ क्या कह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि यूपी में बाबा का सरकार रहेगा और देश में मोदी का रहेगा, ये कोई हटा नहीं। आपके हिसाब से 2024 में कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे मोदी जी? मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, विपक्ष भी कह रही है हम भी आ रहे हैं, मोदी को अपनी उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ेंगे, देखेंगे, पता लग जाएगा विपक्ष। अच्छा, राहुल गांधी ने जो पैदल यात्रा की उससे क्या? पैदल से कुछ नहीं, वो लोग बहुत राज किए हैं, अब जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। 2024 में कौन आएंगे? बाबा आएंगे, मोदी आएंगे। 2024 में बाबा आएंगे। देखिए एक मिनट, यहाँ पे ऑलमोस्ट कर्मचारी हैं सब कंपनी में काम करने वाले, और अभी 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल से भी लोग करने वाले हैं। पूछो, एक मिनट पूरी बात सुन लेने दो, इनसे करीब भाई लोगों से पूछ लेना कि आज के 10 साल या 9 साल पहले पीएफ लोग कटाने डरते थे कि नहीं डरते थे, मिलेगा सर? बिल्कुल सर, आप ये भी तो देखो, अब पीएफ मिलता पहले ठेकेदार के थ्रू कंपनियां होती थी, पीएफ नहीं मिलता लोग कटाते नहीं थे, आज कहते काटो मेरा पीएफ, अब 3 दिन अंदर घर बैठे नौकरी छोड़ दो कंपनी आओ बताओ पीएफ घर। अच्छा चाचा, विपक्ष तो ये भी कहता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सुरक्षा में इनकी कमी है, सड़क नहीं बन रही है, बिजली नहीं आ रही है, इस पे क्या कहेंगे? प्रोग्राम था ना कि हम ये छोटा छोटा काम, ये 4 साल के लिए अग्नि परीक्षा वाला जो काम करवा रहे हैं, तो देखिए जब ये लोग ये बोल रहे, क्या बोल रहे थे आप यूपी में, क्या है सर यूपी में? अभी आपने देखा जब से बीजेपी की सरकार आई है सबसे बेस्ट हाईवे सिस्टम है पूरे इंडिया में, अगर बता दिया जाए तो यूपी का सबसे बेस्ट हाईवे सिस्टम है, सबसे ज्यादा एम्स यूपी में, उन्होंने बोला था कि हम एम्स लाएंगे, एम्स यूपी में है। अब एजुकेशन सिस्टम देखिए, मैंने भी खुद बोर्ड्स का एग्जाम दिया, अभी मैं आपको खुद बता सकता हूँ, अपने तरफ से स्टूडेंट हूँ मैं, खुद बता सकता हूँ, जो चीज़ पहले हम जो बच्चा आगे चल के IIT और इन सब की तैयारी के लिए लाख दो दो लाख रुपये देके कोटा में जाके पढ़ता था, आज वो हम खुद 10th में हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा उस लेवल की एजुकेशन किसके वजह से है? किसकी सरकार है? अभी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हर चीज में बीजेपी। कुछ कहना चाहते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं? मैं CBSE में पढ़ता हूँ। CBSE में आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो ना, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन है ना, उसके लिए आप पेड कर रहे हो ना, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर सरकार विफल है, सेंट्रल की बोर्ड है, आप ये भी तो देखो, बोर्ड भी तो सेंट्रल का है। अब आपको एक बार बता दूं, अब आपको भाई साहब एक बात जान लीजिए, आप बात मुद्दे कर रहे हैं, एज में आपसे छोटे हैं, लेकिन बातें जितनी रख रहे हैं पूरी तथ्यता के साथ रख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं, रखनी भी चाहिए जानकारी। अब आपको एक बार बता दूं, कोरोना के टाइम में आप जो बोलो ना प्राइवेटाइजेशन, स्कूल प्राइवेट है, कोरोना के टाइम में स्कूल वालों ने, जो प्राइवेट स्कूल वालों ने भी फीस ली थी ना, गवर्नमेंट बोल रही है कि जो बच्चा अगर स्कूल से निकल भी गया है, जैसे 12th करके जो निकल भी गया है, उसको भी फीस वापस मिलेगी, तो गवर्नमेंट कह रही है तो ये मिलेगी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है, अभी SBI में जाओ क्या बोलेंगे, अभी लंच चल रहा है, घंटे बाद आना, घंटे बाद ही कल आना, अब प्राइवेट कर देंगे, नौकरी का डर रहेगा तो काम करेंगे दौड़ के, नहीं तो दूसरा खड़ा पीछे। ये लो भैया, इन्होंने बता दिया कि प्राइवेट जरूरी क्यों है। देखिए जब मैं बताऊं, मैंने BCA और MCA, सुनो भाई साहब मेरी बात, मैंने BCA और MCA दोनों इग्नू से किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं जब डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाता था ना किसी भी सरकारी बैंक में, एक घंटे में केवल 2 लोगों का वो काम करते थे, नाक पे यहाँ पे चश्मा होता था सरकारी जो बैंक में होते हैं, और इतने ढीले काम करते हैं वहाँ पे, आप परेशान हो जाओगे। वही आप किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाओ, क्या गजब काम। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सही कहा, ये आपने देखा जनता का जो रुझान था, फिलहाल 2024 में जनता किसको सरकताज पहनाएगी और किसको कुर्सी पर बैठाएगी। कैमरामैन सरताज के साथ में सुदीप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।